हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल सीएस इंजीनियरिंग ज्ञान। क्लास 11 के चैप्टर नंबर 2 में हम लोग देख रहे थे नंबर सिस्टम, जिसमें हम कन्वर्जन देख रहे थे। लास्ट कन्वर्जन हमने देखा था फ्रैक्शनल बाइनरी टू डेसिमल आप कैसे कन्वर्ट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शनल ऑक्टल नंबर टू डेसिमल। फ्रैक्शनल अगर ऑक्टल नंबर है तो उसको डेसिमल में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे वो हम लोग देखने वाले हैं। तो इसमें दो क्वेश्चन मैंने लिए हैं। एक लिया है 0.234 ऑक्टल है जिसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। दूसरा आपका ये नंबर है, इसको भी आपको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो पहले क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं 2, 3, 4। ये आपका क्या है, ऑक्टल है, इसे कन्वर्ट करना है आपने डेसिमल में। तो जब भी किसी भी नंबर को ऑक्टल में, पॉइंट वाली वैल्यू को ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं तो ये आएगा आपका 8 की पावर -1, ये 8 की पावर -2 और ये 8 की पावर -3 से मल्टीप्लाई होगा। तो डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे 2 × 8 की पावर -1 प्लस 3 × 8 की पावर -2 प्लस 4 × 8 की पावर -3 आप लिख देंगे। तो यानी ये हो जाएगा 2 × 1/8 की पावर 1 8 हो जाएगा आपका, प्लस 3 × 1/8 की पावर 2 8 जा कितना होता है आपका 64 हो जाएगा, प्लस 4 × 1/8 की पावर 3 8 जा 64 64 8 जा 512 आपका हो जाएगा। तो यानी जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 1/8 क्या हो जाएगा, 2/8 हो जाएगा आपका, प्लस ये हो जाएगा 3/64 प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 4/512। इसका आंसर आपका आ जाएगा 0.25। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके देख लीजिएगा 0.046875 इसका आ रहा है, प्लस ये जब डिवाइड करेंगे तो 0.00767 ये आपका आ रहा है। तो जब आप इन सब तीनों को ऐड कर देंगे तो ये वैल्यू आ रही है 0.30454 आपका ये किस में कन्वर्ट हो गया, डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। तो सिंपल हम लोग बोल सकते हैं 0.234 ऑक्टल को आप जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो इसका आंसर आता है 0.304545, ये इसका डेसिमल इक्विवेलेंट आएगा। तो सिंपल आपको इस टाइप से इसको रिप्रेजेंट करना है। अब दूसरे क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 605.12 आपका ऑक्टल नंबर है जिसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ये सेकंड क्वेश्चन है। तो इसके लिए ये देखिए, ये 8 की पावर 0 हो जाएगा आपका, ये 8 की पावर 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये 8 की पावर 2 से आपका मल्टीप्लाई होगा और ये जो होगा 8 की पावर -1 और ये 8 की पावर -2। यानी पॉइंट के बाद आपको -1 यहाँ से लेना है और पॉइंट से पहले आपको यहाँ पर 0, 1, 2 लेने हैं। तो आप सीधे लिख सकते हैं 6 × 8 की पावर 2 प्लस 0 × 8 की पावर 1 प्लस 5 × 8 की पावर 0 प्लस 1 × 8 की पावर -1 प्लस 2 × 8 की पावर -2। तो जब आप इसको फाइंड आउट करेंगे तो 6 × 8 की पावर 2 8 जा कितना होता है आपका 64 हो जाएगा, प्लस ये 0 × 8 की पावर 1 ये 0 ही हो जाएगा, प्लस 5 × 8 की पावर 0 1 हो जाता है, प्लस ये हो जाएगा 1 × 1/8 आपका हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 2 × 1/8 = 64 आपका हो जाएगा। तो 64 को आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 1024 प्लस 5 आपका हो जाएगा प्लस 1/8 आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/8 प्लस ये हो जाएगा 2/64। तो जब इनको ऐड करेंगे आप तो ये वैल्यू हो जाएगी 1029 प्लस 1/8 का डेसिमल इक्विवेलेंट आपका आएगा 0.125 और जब आप इसको 2 को 64 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है आपकी 0.3125। ऐड करेंगे तीनों को ऐड करके जो वैल्यू आपके रिटर्न कर रहा है वो है 1029.15625। ये इसका क्या आ जाएगा आपका, डेसिमल इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो सिंपल हम लोग बोल सकते हैं 605.12 ऑक्टल का जो डेसिमल इक्विवेलेंट है वो आया है 1029.15625, ये इसका डेसिमल इक्विवेलेंट आ गया। तो सिंपल इस वे में आप इसको कन्वर्ट करेंगे। तो ये था आपका फ्रैक्शनल ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन, ये हमने देखा है। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे फ्रैक्शनल हेक्साडेसिमल को आप कैसे कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, ये हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।